वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कल मैं नहीं बना सकी थी, आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे सौदा सब्जी वगैरह सब कुछ लानी है। वो वीडियो भी मैंने बनाई है लेकिन उसको मैंने अभी अपलोडिंग नहीं की कि मैं क्या क्या लाई हूँ, क्या सब्जियाँ लाई हूँ और आप लोगों के लिए क्या क्या उसमें बाज़ारों से सामान लाकर और आप लोगों को एक नई नई डिशें बनाने के लिए जो मैं अब आपको नई तरकीबें बताऊंगी उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। आपकी आपकी जब घर के अंदर डिश का स्टाइल चेंज होता है ना, बच्चे बड़े सब खाते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो मैं इंशाल्लाह कल से आपको शुरू कर दूंगी कि जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी वो अपलोड करूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो और बना ली जाए। एक मैंने आपसे वादा किया था नेहा को सरप्राइज़ देने का, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों को कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। मैं नेहा को एक 40,000 सब्सक्राइबर उसके हो चुके हैं प्लस और हो रहे हैं, तो वो अल्लाह उसको और इसको कामयाबी दे, अता दे कि 50,000 लोगों के घरों से मेरी बेटी को देखा जा रहा है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसको लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं माँ होते हैं के नाते आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने फिर से एक बार उसको हिम्मत दी और वो खड़ी हो गई और उसने हिम्मत ली और उसने मुझे भी हिम्मत दी। तो ये गम और खुशी तो साथ साथ चलते रहते हैं, तो सोचा कि आज सब गमों को छोड़कर नए सिरे से शुरू करें, क्योंकि मैं नए सिरे से शुरू करूँगी तो पीछे नेहा को भी हिम्मत आएगी। अगर मैं रोती रहूँगी, मैं गमों को लेकर बैठी रहूँगी तो उसकी हिम्मत कौन बनेगा। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही की थी कि आप नेहा की हिम्मत हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने आप लोगों से एक सरप्राइज़ का कहा था, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। मैं नेहा का 40K क्या सीक्रेट सरप्राइज़ रखा है, जो नेहा को नहीं पता मैं उसको यहाँ पर इनवाइट करूँगी और उसका 40K का सेलिब्रेशन करूँगी। और वो वीडियो मैं आपको 2 दिन के बाद उसकी वीडियो आएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे बच्चों ने उनको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है और वो बच्चे मुझे दिल से देखते हैं। लेकिन जो नए लोग आएँ वो भी मेरी वीडियो पर आए तो वो सब्सक्राइब करें बगैर न जाएँ, क्योंकि हर दिन एक नई वीडियो, हर वीडियो में बोलती हूँ ये हर दिन आपको एक नई वीडियो नए अंदाज नए लुक के साथ आपको मेरी नज़र आएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी शादी का, मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं, 25 ईयर, और 25 ईयर में मैंने पहले जो अपना शरारा बनाया था निकाह का, शादी का, वो शरारा आप देख के यकीन नहीं करेंगे कि वो 25 साल से आज भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही है। ना उसका कोई कपड़ा ख़राब हुआ, ना उसकी कढ़ाई ख़राब हुई, ना उसका कुछ भी ख़राब हुआ, और बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको एक सरप्राइज़ दे दिया। आप थंबनेल लेके परेशान हो गए होंगे और थंबनेल में मैंने क्या लिखा है वो भी आप परेशान हो जाएंगे कि आंटी को क्या हो गया, ये आंटी ने क्या कर दिया। तो मैंने सोचा मेरी बच्चियों को सरप्राइज़ देने के लिए कि यही मौका है कि मैं इस तरह का थंबनेल लगाऊँ और मेरी बच्चियाँ देखें, तो इसलिए मैंने वो थंबनेल लगाया था। और अब मैं इसके बारे में, उस जोड़े के बारे में आपको बताती हूँ कि ये वो जोड़ा है, ये वो मेरा शरारा है। आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी मैं बाज़ार से ख़रीद कर लाई हूँ। ये देखें और करीब से ज़रा कैमरा दिखाए, बिल्कुल करीब से इसकी कढ़ाई, इसकी शाइनिंग, इसका काम, सब कुछ ये देखें कितना खूबसूरत है। और इसकी कढ़ाई और इसके कपड़े में कोई ख़राबी नहीं आई और ये बिल्कुल ऐसे ही था। ये देखिए, ये देखिए, और दुपट्टा तो मैंने मेरा ओढ़ा हुआ आप लोगों ने देख ही लिया, वो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा 25 साल हो गए, ये मैंने अब तक संभाल के रखा है क्योंकि हर, ये देखिए, ये इसका कमीज़ है, सिल्क बहुत अच्छी सिल्क का कमीज़ है ये, और कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। और इसका कपड़ा देखें कहीं से इसमें अभी तक, ये देखिए करीब से, ना दाने आए, ये देखें इसका कलर और ना दाने ना ख़राब, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था ये। और ये मैंने बनवाया था अपना शरारा अपनी अम्मी के साथ जाके बहुत अच्छी जगह से, अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर मैं नहीं बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और ये इसका कमीज़ है, दुपट्टा मैंने थंबनेल में आपको पिक दी थी, लेकिन इसका
कदर वजन है, यानी पता नहीं 2 से 2.5 किलो वजन होगा इस दुपट्टे का, कि ये दुपट्टा संभाला ही नहीं जा रहा था, इस कदर ये वजनी दुपट्टा है। ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है, और वजन से ये इसकी कढ़ाई से थोड़ा बहुत फट भी गया है, जिसकी मैंने अभी सिलाई करनी है। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा हेवी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आवाज़ आ रही है? तुम मोबाइल आप क्यों हिला रही हो? ये देखिए, आवाज़ आ रही है? कितना वजनी है ये, इतना बड़ा वजनी है। तो ये था मेरा शरारा, मेरी शादी का, जो मैंने अपना आपसे शेयर किया, आपको बताया कि आज मैंने सोचा कि चले, मैंने बच्चियों से बोला था, मेरी एक आदत है कि मैं अगर वीडियो में कुछ बोल दूँ ना तो मैं वो ज़रूर ज़रूर दिखाती हूँ। तो मैंने आपसे बोल दिया था, तो मैंने बोला आज चलो यही दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि अब कल से जो है मैं अपनी रेसिपी शुरू कर दूँगी, और वो रेसिपी हैं बहुत मज़े मज़े के, फ्रूट्स आए, सब्जियाँ आई, ये फिश आइटम मैं आपको बताऊँगी, ज़बरदस्त किस्म के फ्राई के फिश के कितने आइटम बनते हैं, और बहुत सारी सब्जियाँ अलग अलग यूनिक तरीके से, बहुत सारी स्वीट मीठी डिशें, ये सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर ये है 25 साल पहले की दुल्हन का शरारा, यानी मेरा शरारा 25 साल पहले मैंने पहना था आपके सामने, देखें ना कपड़ा फटा, ना कलर ख़राब हुआ, ना इसकी ये कढ़ाई ख़राब हुई, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये वज़न की वजह से, इतना वज़न है इसमें कि वज़न की वजह से ही थोड़ा सिलाई से हट गया है, लेकिन अब मैं इसको देने वाली हूँ सर्विस करवाने, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का इस पर दिल आ गया है, वो कहने लगी मम्मा मैं इसको पहनूंगी, मुझे इसको आप नए सिरे से सर्विस करवा के दें, मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं दर्जी के पास जाने वाली हूँ और इसको सर्विस करवाऊँगी, उसको बहुत पसंद है। लेकिन मेरी छोटी बेटी दुआ है, उससे छोटी वाली बेटी के लिए मैं कह रही हूँ कि उसने ये पसंद किया है। और इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मज़ीद आने वाली वीडियो अब आप लोगों को जो जो वीडियो मिलेंगी वो सरप्राइज़ ही मिलेंगी और धमाकेदार मिलेगी, कहीं नेहा की तरफ से, कहीं मेरी तरफ से। और अगर आप लोग देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेंगी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जानने वालों को, उनको बताएं, उनको भी दिखाएं वीडियो, क्योंकि आगे जो है हमारे यहाँ शादियाँ भी शुरू होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसके बाद मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं कहीं पर आपसे एंटरटेनमेंट करूँगी, कहीं पर हंसी मजाक होगी, कहीं पे गम होगा, कहीं पर दुख होगा, कहीं पे खाने होंगे, कहीं पे रेसिपी होगी, मेरी ज़िंदगी से रिलेटिव जो भी मैं करूँगी वो हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी, चाहे वो आउटिंग हो चाहे इंडोर हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उससे मैं माजत चाहती हूँ। और मेरी जो जो बच्चियाँ मुझे अप्रिशिएट करती हैं बहुत ज़्यादा, उनके मैंने इस वीडियो में पिछली वीडियो में स्क्रीनशॉट डाले थे, मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका, सभी नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम भी लिया था, और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। फिर वंस अगेन आपका थैंक्स कि मैंने वो कमेंट्स उसमें स्क्रीनशॉट भी डाले थे। मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट ज़्यादा करती हूँ जो लोग दिल से प्यार करते, जो लोग वाकई आपसे फियर होते हैं, आपसे प्यार करते, तो वो दिल की बात जो निकलती है ना वो सामने आई जाती है, और अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंसान दिल से बोल रहा है या जलन से बोल रहा है। तो बाकी एक्स वाई जेड अगर कोई वीडियो पर ऐसे वैसे आते हैं तो उसको मैं इग्नोर करती हूँ, ऐसे लोगों के मेरे कुछ भी बोलने से या करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।